उसको लोग बोलते हैं धोखा, फिर वो उसके बारे में बोलेगा वो मेरे को धोखा दे दी, वो मेरे को धोखा दे दिया, इसको किस नजरिए से आप देखते हो? एक्चुअली मैं ये जो धोखा टर्म यूज करते हैं ना, एग्जैक्टली मैं मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल कि मतलब हमने बोलते चीट कर दिया, ठीक है, बट अगर आप देखोगे ना हर चीज जो होता है इट इज रिलेटेड टू सम सिचुएशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है हमारे लाइफ में, व्हाट एवर हैपेंस इन योर लाइफ हैपेंस फॉर अ रीजन। या उसमें ये बात बताया कि जो कुछ भी होता है ना उसका एक पर्पस होता है, बिना पर्पस से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब अभी रिसेंटली आई एम रीडिंग अ बुक, गुड वाइब्स, ठीक है, गुड लाइफ, ठीक है, तो उसमें ये चीज एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। इसमें क्या था कि सपोज कि अगर हमने कहते धोखा दे दिया, ठीक है, और आप डीप डाउन उसमें फॉल कर गए, यू टेकिंग अल्कोहल या स्मोकिंग, एडिक्टेड हो गए, ठीक है, तो उसमें कर क्या रहे हो? तुम्हारे लिए में भी ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ होता है कई बार, बिल्कुल, ठीक है, कई बार मतलब कुछ अनवांटेड सिचुएशन होते हैं जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे? छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है कि हम लोग कुछ चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि लास्ट टाइम जब एक छोटा सा एग्जांपल, जब आरडीए टॉक्स को आई थिंक सम फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत थी, ठीक है, तो आपने क्या करा? दो ऑप्शंस थे ना, कि या तो आप छोड़ दो, ठीक है, अदर यू विल गेट फॉर डोनेशंस, ठीक है, और आपने क्या करा? डोनेशंस दोबारा से खड़ा करा, हाँ, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन था। अगर आपने छोड़ दिया होगा तो आपके पार्टनर साहब को क्या कह दे? धोखा दे दिया, बेशक आपने कुछ नहीं रखा, बट उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करोगे? वही वही, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारे लाइफ में। हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते कि जो आपके लाइफ में था है या नहीं रहेगा इन फ्यूचर, वो आप नहीं डिसाइड कर रहे, वो इंसान आपके साथ जब रिलेशनशिप में आएगा वो भी तो ऐसा सोच के नहीं आएगा ना कि हम इसको एक साल बाद डिच कर देंगे, कुछ भी मेरे साथ डिच कर देंगे, ठीक है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम सिचुएशंस, उस इंसान ने क्या करा? मूव ऑन कर गया, ठीक है, तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन, इसलिए वो इंसान मूव ऑन कर गया, दैट्स व्हाई दिस इज माय लाइफ एंड मुझे अपने आपको चांस देना है, ठीक है, तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगा। यही तो बहुत ऐसे युवा है जो नहीं समझ रहे हैं, एक ही चीज में जाकर फंस जा रहे हैं, बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यही तो आप ये हो गया। अच्छा, आप ये सुने होंगे लालच, क्या समझते हैं आप लालच के बारे में, क्या सोचते हैं आप लालच को लेकर, क्या आपके आपके